everyone, I'm Neetu Gallen. Today we discuss on IT tools and business study. O level के paper पे discuss करेंगे कि किस type का paper आता है. Example मैंने create किया है, देख सकते हैं कि किस तरीके का उसमें paper आएगा. पहले तो NEET में condition थी, condition नहीं थी कि भाई अलग अलग pass होना जरूरी होता है, कि जो objective part होता है 40 marks का और एक 60 का subjective part होता है, तो दोनों में अब की बार अलग अलग मार्क्स लेने पड़ेंगे. आप पहला क्वालिफाइड करते हो तभी आपका सेकंड चेक होगा. यदि आप पहला क्वालिफाइड नहीं करते तो सेकंड आपका चेक नहीं होगा. मीन्स आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स का जो फर्स्ट अटेम्प होगा वो भी आपको क्लियर करना जरूरी है, इसकी वो भी आपको पास आउट करना जरूरी है. तो देख लेते हैं, नाउ स्टार्ट. तो फर्स्ट जो सेक्शन आता है उसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. तो उसमें स्टार्ट करते हैं. पहला है सीडी रोम इज ए. सीडी रोम क्या होता है, सेमीकंडक्ट मेमोरी होती है, मेमोरी रजिस्टर होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, इसका डी आंसर होगा. क्योंकि जो सीडी रोम है वो किसका एग्जाम्पल होता है, फर्स्ट मेमोरी का. और जो सेमी कंडक्ट मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, वो लार्ज द सेकंड सेकेंडरी एग्जाम्पल. लेकिन सीडी रोम क्या है, मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है. तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है स्मार्ट टर्मिनल इज वन विच. जो स्मार्ट टर्मिनल है वो कौन सा होता है, लुक वेरी अट्रैक्टिव. सेकेंड ऑप्शन हैज इनबिल्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी. थर्ड है मोस्ट कन्वर्ट इनपुट ऑन CRT स्क्रीन, नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी, जिसमें बिल्ट इन कैपेसिटी होती है प्रोसेसिंग के टाइम पे, तो उसको क्या बोला जाता है, स्मार्ट टर्मिनल बोला जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. थर्ड क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ द मूव कमांड इज. MS DOS में जब हम मूव कमांड यूज करते हैं तो उसका क्या पर्पज होता है, मूव वन और मोर फाइल टू द लोकेशन यू स्पेसिफाई. ए आंसर ए इज द करेक्ट, बिकॉज मूव करता है. सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है, रिनेम द डायरेक्टरी. रिनेम भी करता है, जब हम उसको मूव करते हैं तो उसको रिनेम भी कर देता है. जैसे उसको दूसरा नाम देंगे तो उसको क्या करेगा, रिनेम कर देगा. तो इसका क्या आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ एंड ए एंड बी. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्राफिकल पैकेज. ग्राफिकल पैकेज मीन्स जिसपे हम ग्राफिकल वर्क करते हैं. तो कई बार क्या होता है, हम ऑप्शन से भी करेक्ट देख सकते हैं कि क्या है. जैसे हम MS DOS एक्सेल यूज करते हैं तो उसमें क्या, क्या उसमें सिर्फ हम ग्राफिकल काम कर सकते हैं, नो. तो इसका क्या आंसर होगा, कोरिडोर मंडल फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है. आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. जो ये स्टेटमेंट दे रखे इनमें से कौन सी ट्रू है. लाइन स्पेसिंग टेंस अप टू 1.5, लाइन स्पेसिंग को 1.5 स्पेसिफाई कर सकते हैं, करेक्ट है ये भी. ये स्पेसिफिक फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंसर्ट मेन्यू. हाँ, जो स्पेसिफाइड फैसिलिटी होती है वो किसमें होती है, इंसर्ट मेन्यू में होती है, ये भी ट्रू है. तो इसका क्या आंसर है, सी आंसर है, बोथ ए एंड बी आर द ट्रू. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, द पैराग्राफ मार्क सिग्निफिकेंस. जो पैराग्राफ जो पीछे हम देखते हैं, पैराग्राफ का एक निशान होता है, एंटर की प्रेस करते हैं तो उसको पैराग्राफ मार्क्स बोला जाता है. तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, रॉन्ग है क्योंकि बिगनिंग में नहीं होता, वो तो लास्ट में होता है. बी ऑप्शन है सेविंग हैज बीन डन टिल द मार्क पैराग्राफ, तभी सेव होता है जब पैराग्राफ से होता है, नो दिस इज रॉन्ग. थर्ड देखते हैं, प्रेस ऑफ द एंटर की टू मार्क द पैरा, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फ्लोइंग की. जो हमने सेंटेंस सेलेक्ट किया है तो उसके लिए कौन सी की हम प्रेस करते हैं, डेल की, करेक्ट है. सेकंड है बैकस्पेस की, ये भी करेक्ट है. और थर्ड ऑप्शन है बोथ. तो इसका क्या आंसर होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि हम सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो डेल और बैकस्पेस दोनों की प्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू कन्वर्ट द कीबोर्ड एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड यू विल प्रेस द फंक्शन की. तो इसके लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, F8 की प्रेस की जाती है. तो ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि डी में F8 दे रखा है. अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन था द डिफॉल्ट वर्ड फॉर्मेट यू टेक्स्ट एज.
तो जो वर्ल्ड की फॉर्मेटिंग होती है उसका डिफॉल्ट कितना होता है, उसका डिफॉल्ट 12 पॉइंट होता है। 12 पॉइंट आपने देखा होगा जब फोन ओपन करोगे टाइम रोमन्स दिखा रखा होगा, और उसके जो स्टैंडर्ड जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है पॉइंट की तो 12 होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 14, 11 और 12, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेन्यू लेटर विजार्ड आर, जो लेटर विजार्ड है वो किस में होता है जिसे हम लेटर क्रिएट करते हैं, तो टूल्स में अवेलेबल होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स के बेस पे, कि बताना है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कैन बी यूज बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जैसे मॉनिटर, जो मॉनिटर है उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है। तो मोस्टली जगह हमें क्या मिलता है कि ये करेक्ट आंसर है, दिस इज द ट्रू, बट जो डोएक है निलिट है वो क्या मानते हैं तो इसका ऑलवेज आंसर फॉल्स में ही आता है, क्योंकि वो सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस है ना कि एक इनपुट डिवाइस है। तो इसको मोस्टली बच्चे क्या करके आते हैं, ट्रू करके आते हैं। मैंने मोस्टली बुकों में देखा है इसका आंसर ट्रू दिया जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, दिस इज द फॉल्स। अगले पे चलते हैं, अगला क्या है, यू कैन प्रीव्यू ए टेम्पलेट बिफोर चूजिंग इट, कोई टेम्पलेट चूज करने से पहले क्या हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ट्रू, जितने भी टेम्पलेट हम सिलेक्ट करते हैं पहले उनका प्रीव्यू तो देखते हैं, दिस इज द ट्रू। अगला यू कैन यूज द एक्सप्लोरर प्रोग्राम टू ओपन ए विंडो डॉक्यूमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है डिफरेंट सेल इन ए रो हैज ए डिफरेंट हाइट, तो इसने पूछा है कि जो डिफरेंट सेल है किसी रो में क्या उसकी डिफरेंट हाइट होती है। बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है कि इक्वल हाइट होगी उनकी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हम अपनी मर्जी से उसकी हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो ये क्या है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं, OCR इज ए डिवाइस दैट कैन रिटन और टाइपिंग टेक्स्ट एंड ट्रांसफर इट इनटू द कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, दिस इज द करेक्ट। OMR सीट जो हमारी होती है उसको रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, OCR का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज, जो ऑप्टिकल करेक्टर रीड करेगा उसमें वो क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है या जो भी स्कैन पेपर है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं, यू कैन नॉट सी द पेज ब्रेक इन एक्सेल वर्कशीट, दिस इज द फॉल्स, हम देख सकते हैं एक्सेल की वर्कशीट में भी पेज ब्रेक हो। यू कैन चेंज टू डॉक्यूमेंट इन अ प्रिंट प्रीव्यू, जो प्रिंट प्रीव्यू मोड होता है क्या हम डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं उस टाइम पे, या ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, जो प्रिंट प्रीव्यू मोड में हो तो आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उसकी हाइट विड्थ बढ़ाना चाहते हो, मार्जिन सेट करना चाहते हो, ऑल वी कैन बी डू बाय यूजिंग द प्रिंट प्रीव्यू मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट हिट हाइड ए सीट इन एक्सेल इफ इट इज द ओनली सीट इन ए वर्कबुक, वर्कबुक में सिर्फ एक सीट है, क्या आप उसको हाइड कर सकते हो, इसने पूछा, आप हाइड नहीं कर सकते, दिस इज फॉल्स, चाहे उसमें एक वर्क सीट है चाहे 10 वर्क सीट है, हम कितनी भी उसमें हाइड कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर क्या है, फॉल्स। ट्रू कब होता है, जब इसमें लिखा होता है कि हम उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन इसने पूछा हम उसको हाइड नहीं कर सकते, दिस इज फॉल्स। आगे इन्हें बाइनरी प्रेजेंट वी यूज ओनली टू डिजिट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसने पूछा कि बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ 2 बिट्स यूज की जाती है, हाँ हम जानते हैं, क्योंकि जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 बिट्स होती है, 0 एंड 1, तो बाइनरी रिप्रेजेंट्स क्या होती है, 1 और 0, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड इन मैग्नेटिक टेप इज रैंडम, जो मैग्नेटिक टेप पे डाटा स्टोर किया जाता है वो क्या रैंडमली स्टोर होता है, तो ये भी आपको पता है क्योंकि ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि हम उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैग्नेटिक टेप होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें लिखा होता है कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा इसका, फॉल्स। जो टेप होती है मैग्नेटिक टेप, जैसे हम पहले टेप रिकॉर्ड यूज करते थे अपने घरों में, जो रील थी उसमें रैंडमली डाटा नहीं होता, उसमें सिक्वेंसली डाटा स्टोर किया जाता है, सिक्वेंसली हम उसमें रीड कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड स्टेप पे। थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो किस पे बेस होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें काफी सारे ऑप्शन भी होते हैं, उनमें से हमने करेक्ट चूज करके अपने फिल करने होते हैं। तो देख लेते हैं किस टाइप से वो क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है टेम्पलेट हैव डैश एक्सटेंशन, जो टेम्पलेट होते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट डॉट लगा के और डॉट। यू कैन सी द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या आंसर करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है टू डुप्लीकेट स्लाइड बाई यूजिंग की टूगेदर, जो स्लाइड्स है उसको हम डुप्लीकेट बनानी है एक और उसकी स्लाइड, तो कौन सी की प्रेस करते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर है करेक्ट जी, शिफ्ट प्लस टैब प्लस डी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो जाती है। व्हेन यू यूज टू अलाइनमेंट इन ए फंक्शन स्प्रेड डैम विद ए, किसी चीज को स्प्रेड करने के लिए, किसी फंक्शन को स्प्रेड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जो ए ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बात करते हैं अलाइनमेंट टूल बार अवेलेबल ऑन द डैश टूल बार, जो अलाइनमेंट बटन है वो किस टूल बार में प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है अलाइनमेंट किस टाइप की होती है, अलाइनमेंट किस टूल बार पे प्रेजेंट होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे हम इसको देख सकते हैं। हम इसको किस पे देखेंगे, इस पे देखने के लिए हमें इसमें स्टैंडर्ड सॉरी फॉर्मेटिंग टूल बार इसका करेक्ट आंसर है। तो दिस इज द एम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर बात करते हैं सिलेक्ट द डैश बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार टू सिलेक्ट ए फंक्शन, एक फंक्शन को सिलेक्ट करना है तो कौन सा बटन सिलेक्ट करेंगे, वहां से हम पेस्ट फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट फंक्शन एफ इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ द मेमरी इज डैश इन्फॉर्मेशन, जो मेमरी का फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेमरी का, किसी चीज को स्टोर करना है, टू स्टोर इज द आंसर। तो टू स्टोर क्या है, एच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द हार्ड डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ, हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का या सेकेंडरी मेमोरी का। तो ऑप्शन में देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी वेयर इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी, तो एन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या आंसर है, एन, एन में आप देख सकते हो सेकेंडरी ऑप्शन है। तो द सिंबल 0 and 1 रिप्रेजेंट, हमने पीछे भी पढ़ा है ये कि 0 और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी नंबर को, बाइनरी इज द करेक्ट आंसर। तो ई इज द करेक्ट आंसर। व्हेन यू क्रिएट ए हेडर और फुटर वर्ड ऑटोमेटिकली स्विच यू टू, जब हम हेडर फुटर क्रिएट करते हैं तो किस पे क्या क्रिएट कर देता है, किस पे चला जाता है वो हेडर फुटर करने के बाद। तो इसमें आप देख सकते हो कौन सा इसका करेक्ट है, कौन से व्यू में चला जाएगा हेडर फुटर देखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इसके स्टैंडर्ड टूल बार पे जो दिखाई देता है उसको हम देख सकते हैं। तो इसका है लेआउट व्यू, तो इसका क्या आंसर है, दिस इज द लेआउट व्यू पे हम इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। तो ऑप्शन में देख लेते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्यू शो कमांड इज प्रेजेंट ऑन, जो व्यू है व्यू शो कमांड है वो किस मेन्यू में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है स्लाइड शो में। तो स्लाइड शो कौन सा है, वो इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट से बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे ऑप्शन आते हैं मैचिंग कॉलम होते हैं, उसमें टू कॉलम्स होते हैं, वो वन बाय वन उसे मैच करके देखना पड़ता है। तो फर्स्ट इसमें है द माउस पॉइंटर दैट डिस्प्ले एज ए ब्लैंक प्लस साइन, जो माउस का ब्लैंक जो प्लस का साइन शो किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, ई ई क्या है, फिल हैंडल्स, तो उसको क्या बोला जाता है, फिल हैंडल बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ई। सेकंड पे चलते हैं, नेम गिवन टू ए सेल और रेंज ऑफ ए सेल, किसी सेल का नाम देना तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रेंज नेम बोला जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट है जी, जिस द करेक्ट आंसर की रेंज नेम बोला जाएगा। फिर है हैंडल्स, हैंडल्स क्या होते हैं, हैंडल्स क्या होते हैं, इंडिकेट दैट एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड,
किसी एरिया को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा, हैंडल्स। तो इसका आंसर होगा जे, जे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, टेक्स्ट डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, जो टेक्स्ट और एक टॉप में दिखाई देता है तो उसको क्या बोला जाता है, हेडर बोला जाता है। और जो यहाँ लिखा होता है द टेक्स्ट डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द एवरी पेज, तो बॉटम बोला जाएगा तो क्या होगा, वहां पे होगा फूटर। टॉप की बात करेंगे तो उसको बोला जाएगा हेडर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। फिर सीपीयू ने चिप क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन ए सीपीयू। सीपीयू के अंदर स्पेशल मेमोरी होती है, उसको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है रजिस्टर। यू कैन नो दैट जो रजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक मेमोरी रजिस्टर होते हैं जिसमें टू बाइनरी बिट्स ही उसके अंदर मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, ऑन या ऑफ। रजिस्टर को एक मेमोरी यूनिट बोला जाता है, स्पेशल मेमोरी यूनिट सीपीयू। तो इसका क्या आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। मेन मेमोरी, अब इसमें से देखना मेन मेमोरी क्या है, तो हमें नजर आ रहा है रैम क्या है, रैम एक मेन मेमोरी है। तो इसका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, मास स्टोरेज। यू नो दैट मास स्टोरेज मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हम ऑप्शन से अनुमान लगा सकते हैं। तो एल इज द करेक्ट आंसर। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी एग्जांपल। तो इसका क्या आंसर होगा, एल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट की बात करते हैं स्विफ्ट प्लस टैब की से क्या होता है, स्विफ्ट प्लस टैब से क्या होते हैं, गो टू द लास्ट और प्रीवियस हाइपर लिंक ऑफ द स्लाइड। क्या है, किसी भी स्लाइड के प्रीवियस और लास्ट हाइपरलिंक पे हम जा सकते हैं शिफ्ट प्लस टैब की से। तो इसका आंसर है के इज द करेक्ट आंसर। अब इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज बाय 1.1 पॉइंट इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल प्लस 1 करेंगे तो उसका एक इंक्रीमेंट उसमें कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।